यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर कालांवाली से है, जहां पर गेहूं की सरकारी खरीद न होने पर अनाज मंडी बंद कर दी गई है और साथ ही आढ़ती एसोसिएशन ने मंडी को बंद करने का ऐलान किया है। खरीद एजेंसी हैफेड और डीएफसी ने गेहूं की खरीद बंद कर दी है। आढ़ती और किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कालांवाली से, जहां पर गेहूं की खरीद न होने के चलते अब आढ़तियों में रोष देखा जा रहा है। खरीद एजेंसी हैफेड और डीएफसी की तरफ से गेहूं खरीद जो है वो बंद कर दी गई है, जिसको चलते आढ़तियों और किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। गेहूं की खरीद न होने पर अनाज मंडी बंद करने का ऐलान जो है वो अब आढ़तियों की ओर से किया गया है। तो ये बड़ी खबर है कलावली से, जहां पर आढ़ती एसोसिएशन ने मंडी को बंद करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह है कि खरीद एजेंसी हैफेड और डीएफसी ने गेहूं की खरीद बंद कर दी है और इसी को देखते हुए आढ़तियों और किसानों में आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते अब मंडी को बंद करने का ऐलान किया गया है। आढ़ती एसोसिएशन की ओर से सरकारी खरीद न होने की वजह से मंडी को बंद करने का ऐलान किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, चानन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चानन, क्या कुछ जो है अब कहा जा रहा है, क्यों जो है सरकारी एजेंसियां जो नियुक्त की गई थी, हैफेड हो या फिर डीएफसी हो, उनकी तरफ से गेहूं की खरीद जो है वो बंद कर दी गई है? टारगेट वो पूरा उसका पिछले साल से, तो टारगेट पूरा होने के कारण हमने खरीद बंद कर दी है, लेकिन किसानों के पास अभी गेहूं घर पे भी पड़ा और मंडी में आया हुआ है, जिसके कारण किसान और आढ़ती परेशान है, क्योंकि गेहूं खरीद सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, इसलिए आज मंडी बंद का ऐलान किया है आढ़ती एसोसिएशन जी। और साथ ही क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे वो जो है आवाज उठाने वाले हैं इसको लेकर? वो आज मंडी बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे जी, और आवाज उठाएंगे कि या तो गेहूं खरीदे नहीं तो सरकार के खिलाफ बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे जी, जिसमें किसान यूनियन भी है, किसान नेता भी है, सभी है। चलिए, बहुत शुक्रिया चानन सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गेहूं की खरीद जो है वो बंद कर दी गई है, सरकारी खरीद हैफेड और डीएफसी की तरफ से, जिसके चलते अब आढ़तियों और किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही आढ़ती एसोसिएशन ने मंडी को बंद करने का ऐलान किया है।